देखिए, ये जो स्मैक्स का धंधा चल रहा है यहाँ पर या NDPS का, ये पूरे समाज में इस समय बड़ा कलंक हो चुका है। हाँ, हम लोगों का आपके चैनल द्वारा ये भी कहना है कि सभी लोग इसको अपने बच्चों को संभालें। और ये कुछ लोग जो आवारा टाइप के हैं, जिनको पुलिस बार बार उठा के जेल भेजते रहती है, ये जब छूटते हैं तो इनका कॉन्टैक्ट बरेली से होता है। बरेली भी हमारी टीम गई थी, लेकिन वहाँ भी हम लोगों को कम सफलता मिलती है, क्योंकि बरेली में काफ़ी बेनाम से वो काम चलता है इनका। काफ़ी प्रयासों के बाद हम लोग पकड़ते रहते हैं इन लोगों को, गिरफ्तार करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद जागरूक करना भी हमारा वो है। कई बार हम लोग जागरूक करते हैं, स्कूलों में जाके बच्चों को समझाते हैं, लेकिन फिर भी माँ बाप थोड़ा ध्यान दें इसमें, तो ये इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। नशे कारोबारी पर देखिए, हम लोगों ने गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा है, और जो छूट गए हैं बाद में उन पर हमने गुंडा एक्ट भी लगाया, उन पर हमने गैंगस्टर की भी वो किए हैं, मुकदमे लगाए हैं। लेकिन आज फिर भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सूचना मिलते रहती है पुलिस को कि फलानी जगह फिर हो रहा है, तो पुलिस जाके वहाँ फिर दबिश देके उनको गिरफ्तार करती है। लेकिन ये कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है, जिसे हम लगातार नज़र रखते हुए। हाँ, ये जाँच में जब भी हमें पता लगता है कि ये कुछ अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे स्मैक का नाम इन्होंने कुछ अलग रख दिया, श्रीदेवी रख दिया, या भांग का नाम इन्होंने सपना रख दिया, कुछ टाइप का ये बच्चे लोग करते हैं। इसमें मैक्सिमम वो लोग हैं जो एक नीचे स्तर के बच्चे हैं, जो पढ़ते लिखते नहीं हैं, जो खाली घर में आवारागर्दी ज़्यादा करते हैं, वही इसके आदि होते हैं। उन पर हमारी नज़र है, हर बार हम लोग मीटिंग भी लेते हैं, और यदि सूचना मिलती है तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी।